बिल्कुल पंडित जी, मैं शासन और प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इंदौर शहर में जिस तरह से, यदि और मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो शासन से यही निवेदन करूँगा कि जो पत्रकार लगातार शहर भर में घूमकर ताज़ा खबरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, चाहे नेट के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से हो, वेब के माध्यम से हो, सभी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको ताज़ा तरीन खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन वे अपने आप को भी एक बहुत बड़ी रिस्क में डालकर यह काम कर रहे हैं। मेरा शासन से निवेदन यही रहेगा कि कृपया करके आप उन्हें वे साधन ज़रूर प्रदान करें जो कि उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। पीपीई किट जिस तरह से आप लोग डॉक्टर्स को दे रहे हैं, उसी प्रकार से किसी प्रकार की एक किट हर पत्रकार को जो शहर में फील्ड में काम कर रहा है, चाहे फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, रिपोर्टर्स हो, एडिटर्स हो, जो भी फील्ड में जा रहे हैं, वे उनके उन्हें ये सुरक्षा प्रदान करने का एक आग्रह मैं आपसे करूँगा। साथ ही जिस तरह से आप लोगों ने बीमा की एक कैटेगरी बनाई है जिसमें जो आपातकालीन व्यवस्थाओं में है और जो आवश्यक वस्तुओं में और आवश्यक जो सेवाओं में लीन है, जैसे आपने डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्यकर्मी और बाकी सभी लोगों के लिए जो बीमा किया है, उस कैटेगरी में हमारे पत्रकारों को भी शामिल किया जाए। साथ ही मैं एक आग्रह और भी करूँगा कि अलाउंस जो है वो भी पत्रकारों को मिले, ताकि वो रेगुलर रूप से लोगों को अवेयर करें, अपडेट करें, एक एक चीज़ को अपडेट करें। इस तरह का एक कोई भत्ता भी शुरुआत की जाना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, कि जिससे पत्रकारों को भी लाभ मिले और वे अपने कार्य को मूर्त रूप दे सकें।